दोस्तों, मूंगफली को पानी में उबाल कर मूंगफली की बहुत ही कुरकुरी करारी नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना किसी तेल बिना किसी मसाला के। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ भी खाने में टेस्टी लगती है। तो आप इस मूंगफली की नमकीन को जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता किचन में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े साइज का कोई भी बर्तन लेना है। हमने यहाँ पर बड़े साइज का पतीला लिया है। आप चाहो तो पतीला की जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इस पतीला में 3 गिलास भर भर के पानी डाल देंगे। गैस को ऑन कर देते हैं और गैस को तेज ही रखेंगे। जो पानी है ना, पानी में थोड़ा ज्यादा ही लेना है, यानी हमने 3 गिलास पानी लिया है। आप 3.5 गिलास पानी कर सकते हैं या फिर 4 गिलास पानी ले सकते हैं। जब पानी गर्म होने लगे तो गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डाल देना है। हमें वही नमक लेना है जो हम सब्जी में डालते हैं, सब्जी में यूज करते हैं। नमक और पानी को हमने मिला दिया है। अब पानी को हमें गर्म करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी में से बबल्स आ रहे हैं, यानी हमारी पानी गर्म हो गई है। अब गर्म पानी में मूंगफली के दाने डाल देंगे। तो बड़े कप से नाप के 2.5 कप मूंगफली के दाने डाले पानी में। आप अपने हिसाब से मूंगफली के दाने कम या ज्यादा कर लीजिएगा। एक बार मूंगफली के दाने को पानी के साथ चला देते हैं और गैस को हमें तेज ही रखना है, गैस को धीमा नहीं करिएगा। और हाई फ्लेम पे घड़ी देखकर मूंगफली के दाने को पानी के साथ 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेना है, बॉईल करना है। जब मूंगफली के दाने उबलने लगे ना, मूंगफली को हमें लगातार नहीं चलाना है, बीच में 1 से 2 बार मूंगफली के दाने को चला देना है। अगर मूंगफली के दाने को ज्यादा बॉईल करेंगे ना, जो मूंगफली की नमकीन है कुरकुरी नहीं बनेगी, क्योंकि मूंगफली उबलते समय नरम हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं मूंगफली उबल चुकी है। अब इससे ज्यादा मूंगफली के दाने को हम नहीं बॉयल करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म मूंगफली को जल्दी से दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। अगर यहाँ पर मूंगफली के दाने को बॉयल करने के बाद गर्म पानी में छोड़ देंगे ना, तो मूंगफली हमारी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने स्टील वाली थाली लिया है और साथ में स्टील की छन्नी यानी जाली वाली बड़ी सी कढ़ाई लिया है। और गर्मा गर्म मूंगफली को इस तरीके से जाली वाली कढ़ाई में रखते जाएंगे और फैलाते जाएंगे, जिससे मूंगफली का सारा पानी छन के थाली में आ जाए। आपको प्लास्टिक का कोई भी बर्तन नहीं यूज करना है, जो भी बर्तन लेना स्टील का ही ले। बीच बीच में इस तरीके से कढ़ाई को हिला देंगे कि मूंगफली का जो पानी है जल्दी से छन कर थाली में आ जाए। आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो मूंगफली है ना अभी काफी गर्म है। बस इस तरीके से एकदम हल्के हाथ से कढ़ाई को हिला दीजिए। जो भी बर्तन ले, थोड़े से बड़े साइज के ले। अगर आपके पास इस तरीके से कढ़ाई नहीं है, जाली वाली कढ़ाई नहीं है ना, जिससे हम आटा छानते हैं, अगर आपके पास आटा छानने वाले यहाँ पे स्टील की छन्नी है, आप स्टील की छन्नी भी ले सकते हैं। मूंगफली को इस तरीके से फैला देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि मूंगफली हमारी हल्की सी ठंडी हो जाए। जो थोड़ा बहुत पानी है ना मूंगफली में, वो भी सारा छन के थाली में आ जाए। तो पूरे 5 मिनट हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली हल्की सी ड्राई हो गई है। पंखा के नीचे नहीं रखना है, ऐसे ही से खुला किचन ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बड़े साइज का कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है या फिर कोई दुपट्टा लेना है, जो भी कपड़ा लेना थोड़े से बड़े साइज का लें, इससे मूंगफली आसानी से फैल जाए। और इस कपड़े को हमने किचन में ही फैला दिया है। जो भी कपड़ा लें, आपको कॉटन का ही लेना है और कपड़ा आपको बड़े साइज का ही लेना है। इसके बाद जो हमने मूंगफली को बॉयल किया था, सारी मूंगफली को कपड़े के ऊपर डाल देंगे और हाथ से चलाते हुए मूंगफली के दाने को एकदम बारीक फैला देंगे। तो मूंगफली के दाने को फैलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मूंगफली के दाने को हमें पंखे के नीचे नहीं रखना है, न ही धूप दिखाना है। अगर आपने मूंगफली के दाने को धूप दिखा दिया तो मूंगफली के दाने काले पड़ जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए छोड़ना है और बीच में आप चाहे तो इसे एक बार चला सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, इससे क्या होगा, जो मूंगफली में थोड़ा बहुत पानी होगा ना, जब आप कपड़े पर फैलाएंगे तो सारा पानी अच्छे से सूख जाएगी। अब मूंगफली के दाने को कपड़े से हटा लेते हैं। गैस चलाकर हमने कढ़ाई रख दिया। अब कढ़ाई में हमने डाल दिया है 2 गिलास नमक। पुराना नमक है, इसलिए नमक आपको हल्का सा डाउन दिख रहा होगा। तो नमक को पूरी कढ़ाई में फैला देंगे, गैस को तेज रखेंगे और कढ़ाई को भी गर्म होने देंगे और साथ में नमक को भी हम गर्म कर लेंगे। जब आप इस मूंगफली की नमकीन को घर पर बनाए ना और नमक लें, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 गिलास नमक लेना ही लेना है। अगर कम नमक के साथ मूंगफली की नमकीन बनाएंगे, नमकीन तो बन जाएगी लेकिन आपकी नमकीन परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर नमक को भी चला दे रहे हैं। जब हम नमक को चला रहे हैं, आप देख सकते हैं नमक अभी कढ़ाई से लग रही है, यानी नमक में नमी है।
तो गैस को हमने तेज ही रखा है और नमक को थोड़ी थोड़ी देर पर चला रहे हैं, लगातार नहीं चला रहे हैं। जब तक नमक कढ़ाई से लग रही तो समझ जाइए नमक में नमी है। तो पूरे 8 मिनट हो गए हैं और हाई फ्लेम पे हमने नमक को गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे हम नमक को चला रहे हैं तो नमक कढ़ाई से बिल्कुल नहीं लग रही, यानी नमक हमारी गर्म हो गई है। तो आप इस तरीके से नमक को देख लीजिएगा, अगर नमक कढ़ाई से लग रही है ना तो समझ जाइए नमक गर्म नहीं हुई है। तो नमक गर्म हो गई है, अब इस गर्म नमक में हम डाल देंगे भीगे हुए मूंगफली के दाने। तो पूरे मूंगफली के दाने नहीं डालेंगे क्योंकि जो कढ़ाई है ना छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप एक ही बार में मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, अगर कढ़ाई छोटी है तो आधा आधा करके आप मूंगफली के दाने डाल दीजिए, फिर गैस को लो टू मीडियम कर दीजिए। पहले हमने गैस को तेज रखा, जब गैस मूंगफली के दाने डाले ना कढ़ाई में, उसके बाद गैस को लो टू मीडियम कर दे और लगातार चलाते हुए 20 से 25 मिनट के लिए मूंगफली के दाने को भून लेना है। यह जो मूंगफली की नमकीन है खाने में कुरकुरी है, करारी है, जबकि बिना तेल बिना मसाला के बनकर तैयार हुई है। छोटी मोटी भूख हो या फिर शाम के चाय के लिए यह रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप इसे सफर में बना के ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है ना, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में नहीं रखेगा, किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं, उसका ढक्कन आप टाइट भी लगाइए। तो बातों बातों में लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमने यहाँ पे 20 मिनट के लिए मूंगफली के दाने को भून लिया है। और एक बार चेक कर लेते हैं, जब 20 मिनट हो जाए ना तो आपको एक बार मूंगफली के दाने को चेक करना है। तो सावधानी से लेना है क्योंकि जो मूंगफली है ना काफी गर्म हो चुकी है। अब इस तरीके से मूंगफली के दाने को हाथ में लेंगे और छिलका छुड़ाकर देख लेंगे, अगर छिलका आसानी से निकल जा रही है यानी हमारी मूंगफली की नमकीन बनकर तैयार है। इस तरीके से छिलका छुड़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं छिलका आसानी से निकल जा रही है। अगर आपके छिलका मूंगफली के छिलका नहीं निकल रही है ना तो आप 2 से 3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे मूंगफली को और भून लीजिए। नमकीन बन गई है, गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि नमक काफी गर्म है। अब यहाँ हम लेंगे छन्नी और नमक सहित मूंगफली को हम छन्नी में डाल देंगे। नमक छान के कढ़ाई में निकाल लेंगे और मूंगफली को हम थाली में निकाल देंगे और नमकीन को ठंडा होने देंगे। इसी तरीके से हमने सारी मूंगफली को नमक से छान लिया है। इसके बाद फिर दोबारा नमक को फैला देंगे और जो मेरे पास जो नमकीन थी मूंगफली थी ना उस मूंगफली को हमने नमक में डाल दिया है। फिर यहाँ पे दोबारा हम गैस को ऑन करेंगे और नमक के साथ मिलाते हुए सेम उसी प्रोसेस से 20 से 25 मिनट के लिए नमकीन को भून लेंगे। अगर आपको लग रहा है जो हमने नमकीन बनाया मूंगफली के उसमें नमक ज्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको कपड़ा लेना है, उसमें मूंगफली को डाल देना है, भुनी हुई मूंगफली को डाल देना है और कपड़ा को लाएंगे ना तो जो नमक ज्यादा होगा वो सारे छन के कपड़े में आ जाएगा। बस इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको मूंगफली की नमकीन को भून लेना है। हमने नमकीन बनाकर प्लेट में निकाल लिया। अब आपको दिखाते हैं हमारी नमकीन कितनी कुरकुरी कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई। इस तरीके से हम मूंगफली को हाथ में ले रहे हैं और मसल रहे हैं तो आप देख रहे हैं छिलका आसानी से निकल जा रही है। तो आप इस तरीके से नमक के साथ मूंगफली को भूनिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और खासकर सभी को बहुत ही पसंद आती है। अगर आपको इस तरीके से नमकीन भीगी हुई मूंगफली की नमकीन बनाने का तरीका रेसिपी आपको पसंद आई है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे ना तभी आपकी नमकीन एकदम परफेक्ट बनेगी और सही बनेगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक।